हम बात कर रहे हैं अपना फाइनल जो हमारा सेल्स डैशबोर्ड था उस पे हम फाइनल आ गए हैं और फाइनली इस पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो लास्ट क्लासेस में हमने ये नहीं किया था, जितने भी हमारे पिवट थे उनको हमने यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर में फिल्टर कनेक्शंस नहीं किए थे, तो चलिए वन बाय वन हम सारे फिल्टर को कनेक्ट कर देते हैं। बस इसमें यही रह गया है फिल्टर कनेक्शंस, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये चीजें हमने क्यों किया, कौन सा चार्ट हमने क्यों लगाया, इसका क्या बेनिफिट्स है, इनके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले हम फिल्टर कनेक्शंस कर देते हैं ताकि बाकी सब पे हमारा फिल्टर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, जी यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस और जितने भी तीन स्लाइसर हमने ऐड किए हुए तीनों पे हम सेम फिल्टर कनेक्शंस कर रहे हैं। फिल्टर कनेक्शंस और एक लास्ट है ये फिल्टर कनेक्शंस, और उसके बाद हमने यहाँ C1 पे भी एक लगा रखा है, इस पे भी हम फिल्टर कनेक्ट कर दें। तो अब मेरा परफेक्टली वर्क करेगा डैशबोर्ड जब हम इसमें स्लाइसर का इस्तेमाल करें। जैसे अप्लायंस हो गया, अप्लायंस का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, पूरा आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ओवरऑल आ रहा है। अब इसमें एक गलती देख रहे क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये RF RF करके आ रहा है ना, जी सर, इसलिए कि उसका डेटा है नहीं, इसलिए जो फॉर्मूला है उसको RF कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एरर और यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं, यही करेंगे ना सर। यस तो बाकी सब जगहों पे भी हम इफ एरर के साथ लगा के जीरो करेंगे ताकि एरर ना आए। एरर आने के कारण है क्योंकि पिवट में वो चीज है नहीं, इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि तो हमने यहाँ पे पिवट गेट पिवट का डेटा हमने लगा रखा है। तो अब देखिए अगर मैं आर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आया, बाकी में RF आ गया। तो इस पे हम इफ एरर वन बाय वन लगा देते हैं। ठीक है सर, अब यस सर, यहाँ पे जीरो लगा रहा हूं इसलिए यहाँ पे K आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं K भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे, राइट सर। यस यहाँ पे हम ब्लैंक कर देंगे ताकि यहाँ पे इस तरह से हो जाए, क्योंकि तो इसकी वैल्यू है नहीं इसलिए आ रहा है। वैल्यू होगा तो आएगा, वैल्यू नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ये पिवट टेबल हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के पार्ट को, कि हमने कौन कौन सा रिजल्ट हमने क्यों लगाया, इससे एक बेनिफिट क्या मिलेगा, कहने का मतलब ये है, राइट सर। यस सर, तो सबसे पहले यहाँ हमारा टोटल सेल्स, तो टोटल्स तो होने ही चाहिए ना सर। अगर आप किसी भी डेटा की समरी तैयार करते हैं तो उसमें अगर टोटल्स नहीं है तो दिक्कत होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को टोटल के साथ कंपेयर करते हैं। जी ओके, सर, जब भी आप रिपोर्ट बनाए तो टोटल्स जो है वो होने चाहिए, अगर टोटल नहीं है तो दिक्कत होगा आप, राइट सर। यस सर, तो टोटल का होना जरूरी दूसरी चीज। इसके बाद कैटेगरी के हिसाब से हमने दिया हुआ, तब यहां पे हमने कैटेगरी को इस तरह से आइकन्स क्यों किए हुए, क्या आइकन्स क्यों किए हुए। देखिए क्या होता है कि जो ग्राफ के लिए आप यूज करते हैं ना, कैटेगरी, जैसे ये चीज हम सपोर्ट में भी देख रहे हैं, ये सारा रिपोर्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसे सीरीज बाई टोटल आ रहा है ना। लेकिन फिर भी हमने डैशबोर्ड पे इसको अलग अलग क्यों दर्शाया, करेक्ट क्यों नहीं किया हमने। देखिए ग्राफिकल जो होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अब कोई जैसे कि आप देख सकते हैं सपोर्ट में आपके सामने अगर ये रिपोर्ट आया तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बाइंडर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के नेम को कुछ और नेम से जानते हैं, समझ गया सर। जैसे यस कंप्यूटर सर, में देख लीजिए ना, कैबिनेट और सीपीयू,
हम कैबिनेट को मतलब कि पूरा कैबिनेट और पूरा सेटअप को सीपीयू कह देते हैं, बल्कि सीपीयू अलग होता है क्या सर? हाँ तो ग्राफिकली जहर जल्दी अंडरस्टैंड होगा और आपको सामने वाला रिपोर्ट जब देखेगा उसको इजी टू अंडरस्टैंड होगा, राइट? अब यहाँ पे हमने शेयरिंग दिखाया हुआ है, राइट? लेकिन यहाँ पे हम शेयरिंग जो दिखाए हुए अलग अलग, यहाँ पे हमने क्यों दिखाया? देखिए क्या है कि जोन यहाँ पे जो है जोन इम्पोर्टेंट है कि हमारा किस जोन में किस तरह का सेल्स है, ताकि हम जो प्रोडक्ट की अलॉटमेंट है, जो हमारा स्टॉक का अलॉटमेंट है या कुछ भी अलॉटमेंट है उसी हिसाब से हम करेंगे। जैसे सेंट्रल जो है हमारा 21% का सेल दे रहा है और नॉर्थ हमारा 24% का सेल दे रहा है। तो मान लीजिए कि अगर मुझे अपने सेल्स को इम्प्रूव करना, ऑर्डर आया कि भाई सेल्स को इम्प्रूव करो, तो इम्प्रूव करने के लिए अब जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कूल में किसी ट्रेनिंग सेंटर में स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान ध्यान किस पे रखना है? देखिए एक टीचर विशेष ध्यान दो तरह के बच्चों पे रखता है। पहला जो बहुत तेज है, क्यों? ताकि उसकी उसकी जो परफॉर्मेंस है लो नहीं होनी चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल का आइकन है, समझ गए? यस सर। जैसे एक प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है और सबसे ज्यादा सेल हो रहा है तो कंपनी उस पर ध्यान रखती है ताकि उसका सेल कमना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी की बहुत सारे प्रॉफिट प्रॉफिट का बहुत बड़ा शेयर वो दे रहा है। इसलिए उस पर ध्यान रखना है ताकि वो लोड न गिरे, उसको मेंटेन रखना है, ठीक है? दूसरा जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, जो जो सबसे कम हो रहा है, जो स्कूल में सबसे लोअर ये है, सबसे पुअर स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, लोग उस पर ध्यान देते ताकि वो फ्लो में आ जाए। जो एवरेज है ना उस पर विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो एवरेज ही रहेगा, वो बढ़ने में दिक्कत होगा उसको। तो जहां जी जी मार्केट हमारा लो है उस पर ध्यान देंगे, और जहां हाई है उस पर ध्यान देंगे। और ध्यान हमारा जो ध्यान है, ध्यान का मतलब जो हमारा स्ट्रेटेजी है, जो हमारे इनपुट्स हैं या जो हमारी प्लानिंग है, उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से हमारा मार्केट शेयर है, ठीक है? जी अब दूसरा चीज है कि जब आपके पास ईयर्स होते हैं या डेट्स होते हैं, तो उनकी जो सेल्स है उसको हम मोस्टली टाइम में हम लाइन चार्ट में दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईयरली अगर हमने सेल्स लिया हुआ है, नंबर से ऑर्डर लिया हुआ है, तो इसको हमने फ्लो में लिया हुआ है, राइट? समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है कि सर। हमें सडनली हमारा 2020 के बाद 2021 में सडनली सेल नीचे डाउन हो जा रहा है, हो रहा है ना सर? जी सर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि 2021 में लॉकडाउन था, इसलिए सडनली सेल नीचे आ गया। तो हम जब देखते हैं तो जैसे ही ग्राफ जो है एक लाइन से नीचे आता है, फ्लो से नीचे आता है, तो तुरंत हम देखते ओ यहाँ पे दिक्कत है, समझ गए? उसके बाद अब यहाँ पे हमने सेल्स शेयर को शॉर्ट क्यों किया हुआ? हाईएस्ट की लोएस्ट की लोएस्ट सेम है कि हम हमें कंपेयर करने में आसानी हो। जब भी आप इस तरह करें तो शॉर्ट करें तो कंपेयर करने में आसानी आपको होती है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है। बात समझे? क्योंकि यस सर। सबसे लोअर हम तुरंत यहाँ पिक कर ले। अब इसी में देख लीजिए कौन सबसे छोटा है, हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दिख रहा है? अगर यही अगर मान लीजिए यही चीज अगर शॉर्ट होती तो तुरंत छोटा और बड़ा पता चल जाता है, जैसे कि यहाँ पता चल रहा है, यस। बट यहाँ नहीं। दूसरा एक कंट्रीब्यूशन हमने दिया हुआ, तो इसमें अब इसमें समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत नंबर ऑफ डेटा है इसलिए ऐसा देना पड़ा। तो आप जो है इसमें कलर्स इंडिकेट कर लीजिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कलर है। अब बीच आप देख पा रहे हैं कि सारा कलर की पट्टी मोस्टली एक ही जैसा है, अब कोई पट्टी कम जाता है, यहाँ पे कम गया, तो पता चल जाएगा कि भाई किस साल के किस महीने में ज्यादा और कम होगा। जी और जब हम प्रॉफिट्स में या गेन हो, जब होता है कोई चीज गेन करता है या प्रॉफिट होता है, तो उसको हमेशा हम लोग जो है ना वाटरफॉल चार्ट में ही दिखाते हैं,
इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है क्योंकि हम इनकम हमारा, मान लीजिए हमने 1000 आज महीने में कमाया, दूसरे महीने हमने 1500 कमाया, तो हमारी लर्निंग तो 2500 हो गई ना जी। तो हमारा हमारा अर्निंग जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। यस सर। तो उस हिसाब से हम बढ़ते हुए दिखाएंगे ना। भले ही आपका यहाँ पे देखिए 136 ही सेल हुआ है कस्टमर का, लेकिन 136 हुआ तो सब मिलाकर यहाँ तक पहुंच गए ना। तो सीरी हुआ ना, एक स्टेप हुआ कि हमने भाई पहला गोल अचीव किया 1000 का, पिछला गोल अचीव किया 1500 का, तीसरा अचीव किया 2000 का। इस तरह से ये आपका सीरी के हुआ, जैसे ग्रोथ का जो सीरी होता है उस तरह का यूज करते हैं। जी जी यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर काउंट था बाय कस्टमर ऑर्डर काउंट है। यहाँ पे आपका सेल्स शेयर है और यहाँ भी आपका जो है आपका सेल्स शेयर ही है। तो इसमें क्या है कि हमें परसेंटेज में एरिया एरिया कैप्चर नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ पे एरिया कैप्चर पता चल रहा है कि किस किस टाइप के कस्टमर ने हमारा कितना सेल्स का एरिया कैप्चर किया हुआ है। यस सर। दोनों जो है रिपोर्ट सिमिलर है। ठीक है जी। नहीं, इसमें अलग है, ये सेल्स शेयर है, ये आपका अमाउंट है, दोनों अलग अलग। ठीक है जी सर। इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है सर, तो ये yes, रिपोर्ट हो गई फाइनल। ये रिपोर्ट मैंने फाइनल किया, आपने तो इसको बनाया नहीं, इसलिए इस फाइल में आपको दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इसको पूरा ए टू जेड बनाना है। और इसमें मैंने कुछ गलतियां की होगी या कुछ चीजें मैंने सही तरीके से अरेंज नहीं किया होगा, वो आपको करना है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट yes, एक और हम पिवट टेबल चार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेव कर देता हूं। तो पिवट चार्ट की ये आपकी पिवट चार्ट का टॉपिक था। एक और लास्ट पिवट टेबल का पिवट चार्ट और पिवट टेबल में हम बात करेंगे आपके साथ, लास्ट होगा, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हमने इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया है, सिर्फ हमारा एक्सेल के फीचर्स है, राइट? जी जी। अब इसके एक और रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि हम कल जो इस चीज पे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको इस चीज देखना है। ये देखिए, ठीक है सर। बेसिकली ये रिपोर्ट भी मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दिस इज द माय रिपोर्ट, देखिए मैंने कितना अच्छा बनाया है, नहीं। ये बेसिकली मैंने हेल्प एंड सपोर्ट से माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही डाउनलोड किया हुआ है। अब इसकी सेल्स डेटा जो देख पा रहे हैं, ये रहा इसका सेल्स डेटा, राइट सर? जी सर। और इस सेल्स डेटा पे इन्होंने पहले तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को अलग अलग सीट पे, ताकि आप एक्सप्लेन कर सके, इसलिए इसने क्रिएट किया हुआ, राइट? जी। यहाँ पे अलग अलग चार्ट शीट्स पे चार्ट्स को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्लाइस एंड टाइमलाइन क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद इसने टॉप 10 क्रिएट किया हुआ है, मंथली सेल्स, सेल्स गोल, ये सब किया हुआ। फिर इसको फाइनल डैशबोर्ड पे सबको कंबाइन किया हुआ है। अब ये जो दिख पा रहे हैं, ये आपका मैप चार्ट है। इंसर्ट के अंदर में ये जो मैप चार्ट होता है, मैप चार्ट पहले चीज समझ लीजिए, राइट? बाकी जो दिख रहे हैं आपका स्लाइसर्स हैं। ये जो दिख रहा है इसमें दिख रहा है आपको सर, इस तरह से इसने यहां इसको लिया हुआ है, ठीक है, सैप्स लिया हुआ है और सैप्स को इन्होंने फॉर्मेट किया हुआ है, राइट? अब बोलेंगे सर नीचे क्या, तो ये जो दिख रहा पा रहा है आपको, इसको बोलते हैं वो स्पार्कलिंग लाइन किया हुआ है। इंसर्ट के अंदर स्पार्क लाइन होता है, स्पार्क लाइन, इसलिए आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है जी सर।
उसके बाद जैसे यहाँ पे सेल है तो इन्होंने भी सेम ऐसा किया हुआ, पिवट टेबल यहाँ पे देखो पिवट टेबल लगाया हुआ है, पिवट टेबल है, इस पिवट टेबल के ऊपर इन्होंने इस तरह का ये जो फीचर्स है डाल दिया है, लेकिन ये एकदम अच्छा लग रहा है मतलब। ठीक है, और फिर इन्होंने चार्ट लगाया हुआ है, एक कॉम्बो चार्ट है, चार्ट जो देख पा रहे हैं अब इस, अच्छा पता करना है कि कौन सा चार्ट है ना आपको सर, तो चेन थ्री चार्ट टाइप पे क्लिक कर दीजिए, ये पता चल जाएगा कौन सा चार्ट, एक क्लस्टर कॉम्बो ना, ये लाइन विथ मार्कर और इसने सेकेंडरी एक्सेस ले रखा है, दिख रहा है यस सर, तो सेकेंडरी एक्सेस इन्होंने लिया हुआ है, तो इन्होंने सिर्फ इन्होंने मतलब कि सारे का सारा अब बात नहीं, हमने जैसे इससे पहले की जो डैशबोर्ड में हुआ कि हमने एक पहले डैशबोर्ड लिया फिर एक सपोर्ट शीट लिया सारे पिवट उस पे रहे वहां से लिंक हो गया है, ये सिस्टम नहीं, यहाँ पे सारे पिवट यहीं पर है, राइट क्लिक करके यहाँ देखिए फिल लिस्ट पे आएंगे तो साइड में फिल लिस्ट आ जाएगा जी सर, ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे पिवट टेबल इसके अंदर ही अवेलेबल है, और इसने जो है अपना रिपोर्ट को कुछ इस तरह से किया हुआ है बनाया हुआ है कि सब एक, एक अच्छा वे में ले रहा है, फॉर्मेट उन्होंने अच्छा कर दिया हुआ है, देखिए देख रहे चार्ट को इन्होंने ग्रुप किया हुआ है, सबको ग्रुप किया हुआ है ताकि एक लाइन में जहाँ दिख रहा है यहाँ पे, राइट सर, यस सर, ये फाइल भी आपको भेज रहा हूँ, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसमें इंडिया का मैप बना सकते हैं ना, या मैप से मतलब नहीं है, कोई भी मैप लीजिए मैप आएगा, बस इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट है तभी ये मैप आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके सर, ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो जो होगी इसमें हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट सर, सर।